पीलीभीत जिले में राजस्व अधिकारी इन दिनों अपनी कार गुजारी को लेकर खासा चर्चा में है। दरअसल पूरनपुर तहसील इलाके के गांव खानपुर चुकटीहाई मटैना में राजस्व अधिकारियों ने खड़े होकर एक किसान की मक्के और धान की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को मिट्टी में मिला दिया और उधर दूसरी ओर किसान अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आया, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा और अधिकारियों ने खड़ी फसल नष्ट कर दी। उधर दूसरी तरफ मीडिया में वीडियो सामने आने के बाद पूरनपुर के SDM ने वीडियो को फर्जी बताया और फर्जी बताते हुए पत्रकारों को झूठी खबर ना चलाने की नसीहत दी। मेरे पापा का एक तहसीलदार कोर्ट से आदेश हुआ था, आदेश के बाद हमने SDM साहब से आदेश लिया कब्जा का। कब्जे के बाद हमें मक्के और धान की फसल लगाई थी। कुछ दबंग ने आकर हमारे कैनुलगो साहब और लेखपाल के सह पे उन्होंने हमारी मक्के की फसल को जोत दिया। जोतने का विरोध करने पर उन्होंने हमारे पापा को ट्रैक्टर से धक्का लगाया। धक्का लगाते हुए कम तक बहुत दूर तक घसीटा उन्होंने, उसके बाद वो भी घायल हो गए लगभग। तहसील पूरनपुर क्षेत्र में ग्राम खानपुर चकुटियाई में गाटा संख्या 116 पर वरासत का बाद विचाराधीन था न्यायालय में, जिसमें शिकायतकर्ता पक्षकार मनोज कुमार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वरासत का आदेश अपने पक्ष में प्राप्त करा लिया और उसी वरासत आदेश के आधार पर गत माह 6 जुलाई को उन्होंने उस जमीन पर कब्जा लिया। लेकिन जैसे ही उनके गलत आदेश की जानकारी प्रार्थी पक्ष को मिली, राजीव पक्ष को, वैसे ही उन्होंने न्यायालय में उन तथ्यों को रखा और न्यायालय ने वरासत आदेश को निरस्त कर दिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।